तारीख भी है सर। अब देखिए दिनांक 13 को हाथीदह थाना अंतर्गत एक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी और उसमें ये था कि ओटा रेलवे ओवरब्रिज से आगे एक थ्री व्हीलर जो लोडर है उसको लूट लिया गया है। तो इस मामले में हाथीदह थाना अंतर्गत एक कांड दर्ज किया गया। कांड संख्या 722 है, धारा 392 भादवी के अंतर्गत ये कांड दर्ज हुआ है। और जो प्रारंभिक सूचना हम लोगों के पास आई उसमें जो ऑटो के ड्राइवर हैं उनका ये कहना था कि किसी ने सामान ढोने के लिए उनसे करार किया, दो लोग उनको लेकर आए और यहाँ पर जो घटना स्थल है उसके पास उनके हाथ पैर बांधकर उन्होंने डाल दिया और फिर वो ऑटो लेकर चले गए। तो प्रारंभ में हम लोगों ने जांच की कि उनके बयान की सत्यता असत्यता क्या है और उसके आधार पर हमारे अनुमंडल स्तर पर और हाथीदह थाना अध्यक्ष हैं, टेक्निकल जो टीम हम लोग बना रहे हैं उसके प्रभारी हैं और उसके आधार पर इन लोगों ने टेक्निकली फर्स्ट वेरीफाई कर दिया कि नहीं ये घटना सत्य है और कुछ लोग वहाँ पर थे, उन लोगों की लोकेशन ली गई। चूँकि लोकेशन और चीज़ें उनकी जानकारी मालूम जो की गई वो लखीसराय में दियारा क्षेत्र में काफ़ी दूर थी, इसलिए हम लोगों ने एक टीम गठित की जिसमें हाथीदह के साथ साथ जो अनुमंडल स्तर पर टेक्निकल टीम थी उन दोनों के साथ साथ पचमहला और मराची को भी भेजा गया सुरक्षा के दृष्टिकोण से और SDPO लखीसराय के साथ कोऑर्डिनेट किया गया। तो स्थानीय थानों ने भी सहयोग किया होगा ऐसे हमें उम्मीद है इन लोगों के साथ। और फिर दियारा क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई, उनकी उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके आधार पर फर्दर गाड़ी भी वो मिल गई है। उस गाड़ी के ऊपरी हिस्से को काटकर वो एक चिमनी भट्ठे में चला रहे थे और गाड़ी एक पुरानी देनदारी बाकी थी जिसको लेकर इन दोनों ने गाड़ी लूटी थी दो लोगों ने, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो गई है गुड्डू कुमार, ये पिपरिया डीह जगह है, थाना पिपरिया जिला लखीसराय में इसके रहने वाले हैं। इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था लेकिन वो भी फरार चल रहे हैं और उनकी छापामारी की जा रही है। इस गाड़ी को अमरजीत कुमार हैं ग्राम पिपरिया डी के, इन्होंने खरीदा था और चिमनी भट्टे में चला रहे थे, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह इन दोनों लोगों को अभी तक गिरफ्तार करके इस कांड का उद्भेदन भी कर लिया गया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अभी इस कांड में एक तो इनका ये मोबाइल फ़ोन हम लोगों ने जब्त किया है, जो टेक्निकल एविडेंस हमारे पास होंगे उसमें ये काम आएगा, और जो मालवाहक टेम्पो लूटा गया था BR1GG1100 ये जब्त कर लिया गया है, मिल गया है। हालांकि इसके ऊपरी बॉडी को काट दिया गया, इस पर अग्रिम कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेशानुसार की